इंडिया आप सभी देशवासियों से अपील करता है, समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं और संभवतः घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सुरक्षित, देश सुरक्षित। दबंगों ने वर्तमान प्रधान को दे डाली जान से मारने की धमकी। महोबा के मझलवारा गांव में नवनिर्वाचित प्रधान को दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित पहुंचा शहर कोतवाली। शहर कोतवाली में पहुंचा पूरन लाल श्रीवास बताता है कि मैं वर्तमान में ग्राम प्रधान चुना गया हूं और मुझे पूर्व में प्रधान रहने वाले परिवार द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है और कहा है कि मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। वर्तमान प्रधान पूरन लाल श्रीवास का यह भी कहना है कि उसे दबंगों द्वारा गाली गलौज तक की जाती है और मारपीट करने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद पीड़ित पूरन लाल श्रीवास वर्तमान प्रधान गांव के लोगों के साथ शहर कोतवाली न्याय की गुहार लेकर पहुंचा और लिखित प्रार्थना पत्र देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, किस प्रकार का मामला है? मैं पूरन श्रीवास ग्राम मंजलवारा का रहने वाला हूँ जी, ग्राम प्रधान हूँ जी। कुछ लोग मेरे यहाँ आए दबंग लोग। क्या नाम है उनका? और रतिभान जी, रतिभान और अपन अश्विन सिंह। क्या नाम है? अपसन, अपसन। क्या होगा मामला फिर, किस मामला? ये लोग आए गाली गलौज दे रहे हैं कि तुम प्रधान प्रत्याशी कैसे जीत गया, ये है वो है, और मेरी माँ बहन को गाली दे रहे हैं और बंदूक की धमकी दे रहे हैं कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, तू बाहर निकल। मैं क्या करूँ बाहर निकल के, जब मुझे इतनी बुरी धमकी दे रहे हैं। दबंग लोग हैं ये, इतने दबंग लोग हैं कि इनने गाँव भर के इतने इनने घोटाले किए हैं कि इनके पास जन कितने तो मुकदमे हैं। वैसे अनजान कुछ मामले की जानकारी देंगे, कौन कौन से मामले इनके ऊपर? अब इनके ऊपर इतना तो नहीं मैं सर दे सकता हूँ, लेकिन मेरे को तो घबराहट है, मेरी जान बच जाए इनसे। आप क्या चाहते हैं? मुझे मार डालेंगे इनसे, मुझे आप बचाइए। आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? मझलवारा राजपूत, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान, इसके पहले आप ही प्रधान थे जी। प्रधान जी, वर्तमान प्रधान को लेकर मामला उठा रहे, किस प्रकार का मामला था, कौन लोग थे वो, किस प्रकार के दबंग हैं? मुझे फोन लगाया वर्तमान प्रधान ने, पूरन ने जी, तो मैं वहाँ मंडप में था जी, तो मैं आया वहाँ तो उसने बताया कि मुझे अभिषेक सनोप चंद्रशेखर, अच्छा, और अतिभान सनोप दुर्गा प्रसाद जी, उसने साहब इसको माँ बहन की गाली दी और क्या साले गोलियों से भून देंगे, वहाँ तारा क्यों डारा हनुमान मंदिर में, तो तारा तो हमने डरवाया, तारा वहाँ पेड़ लगे हैं, पेड़ के लिए सुरक्षा के लिए, जैसे वहाँ पेड़ लगे हुए हैं तो जानवर घुस जाते थे फाटक के अंदर, इसलिए आपने सुरक्षा के लिए तारा लगवाया। उधर एक दो आदमी भी लगे हुए होंगे आपके, कि जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति वहाँ जाता है पूजा पाठ के लिए तो ताला खोल कर ना निकल जाए जी, और नई खिड़की का गेट। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? और हम आए वहाँ पर, कोई नहीं, फिर मिला नहीं, अभी भाग गए। अच्छा, तो जान से मारने की धमकी, कैसा क्या था ये मामला? जान से मारने की धमकी दी, उसमें कुछ जानकारी मिली है कि आपको आपको भी गाली वाली दी है? बताया हमको कि हमको भी गाली देते रहे और गाँव वालों को भी गाली दी, गाँव वालों को भी गाली देते रहे, इतने दबंग लोग हैं जी। तो मैं भी दी नहीं, हम दे ही हैं